तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि इस पे ना जाने कितने सारे कमेंट्स मुझे आए हैं। तो आज का वीडियो एक सेकंड भी आप मिस मत कीजिएगा वरना आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कॉलम में अगर हम स्टिल प्रोवाइड करते हैं तो उसका परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे जनरली सब क्वेश्चन आता है ना कि कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टिल कितना प्रोवाइड करना है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टिल कितना प्रोवाइड करना है। तो अगर आपके साइड पे ड्राइंग रखा हुआ है आपको तो पता है कि मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ता है 0.8%, मैक्सिमम प्रोवाइड करना पड़ता है 6%, लेकिन 4 से ज्यादा हम लोग जनरली करते नहीं है, ठीक है। तो ये जो 0.8 आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है, ये 6% जो मैक्सिमम आ रहा है, ये कैसे निकाला जाएगा अगर आपके साइड पे आपका ड्रॉइंग आपके सामने मौजूद है। तो मान लीजिए आपके सामने में आपका एक ड्रॉइंग दिया हुआ है कॉलम का और वहां से आपको बोल दिया आपके इंजीनियर, आपके सीनियर कोई भी कि निकाल के बताओ कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, क्या ये ओबे करता है हमारे IS-456 को कि नहीं करता है, ये कैसे पता करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं। आज मैं आपको कॉलम का केस बताऊंगा, फिर बीम का बताऊंगा, फिर स्लैब का बताऊंगा बाद में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉलम का स्टील प्रोवाइड जो करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए ना और समझ में आए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो शेयर कीजिएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना होगा, लाइक भी नहीं करना होगा, वीडियो मत कीजिए, ठीक है, बट इसको प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं ना, मैं जो फेस करके आया हूं प्रॉब्लम आज यहां तक, आप कोई बंदा फेस ना करे सिविल इंजीनियर का जो भी फ्रेशर यहां से निकल रहा होगा, तो प्लीज शेयर कर दीजिए कि सब कोई वहां से सीख पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही जॉब की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी जॉब किसी को नहीं मिलता, टेक्निकल जो नॉलेज है वो सबके पास नहीं है, इसीलिए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिए एक कॉलम है आपके साइड पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरी चीजों को। ये मैं कॉलम का 3D एक बनाया, ये कॉलम है, इसके अंदर में आपका क्या है कि सरिया दिया हुआ है, स्टील डाला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेक्शन को ऐसे काट देते हैं, ठीक है, सेक्शन को ऐसे हम काट दिए। जब ऐसे काट दोगे ना तो आपका वो सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये कॉलम का, ये कॉलम का क्या है कि ये आउटर सरफेस है और अंदर में ये रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, जो 0.86%, उसमें सिर्फ मेन बार कंसीडर किया रहता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो मेन वर्टिकल बार है ना वो कंसीडर किया रहता है, स्टीरअप्स को कंसीडर नहीं किया रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि मैंने मेन बार बता दिया है। चलिए ड्रॉइंग को समझ लेते हैं पहले। अब ये देखिए ये कॉलम कितना बाई कितना का है, 400x300 का है, ठीक है, 400x300 का है। अब इसमें देखिए ये डॉटेड डॉटेड जो मैंने बनाया है ये रेनफोर्समेंट बार है। ये निकालना क्यों ज्यादा जरूरी है कि कभी कभी हो सकता है कि मिस गलती से हम लोग से हो गया कि हम लोग जो लोहा है वो ज्यादा डाल दिए, या जो मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है हमारे आईएस कोड में उससे कम डाल दिए। तो एक बार चेक करने में क्या आता है, आप इंजीनियर हो आपको तो ये चीज आना चाहिए, ठीक है, कि किस बेसिस पे बोलता है 0.86 ये सब। तो ये देखिए ये डॉटेड डॉटेड जो है ये रेनफोर्समेंट है और इसका डाया कितना है वो मैंने लिख दिया। देखिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट, VR मतलब वर्टिकल रेनफोर्समेंट, उसका क्या है 8 नंबर्स। देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर्स है, 8 नंबर्स एट द रेट T16 T से हो गया हमारा टॉर और 16 मतलब ये डाया ऑफ बार है, ठीक है, ये हमारा है डाया। तो डाया ऑफ बार एक एक का कितना है 16 है। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग पकड़ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा लाख में क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अलग अलग है तो। ये मैंने सेम पकड़ा है यहाँ पे 16। तो देखिए सबसे पहला काम हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो कॉलम का जो सेक्शन है इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम कॉलम यहाँ पे बना हुआ था, कॉलम का सेक्शन काटे थे ना, अब जो मिला हमको वो मिला क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पार्ट, मतलब कॉलम के एक सेक्शन को अगर हम 20 से ऐसे काट देंगे, ये कॉलम है, अगर इसको 20 से काट दो तब जब ऊपर से इसको देखोगे ना तो ये देखने में कैसा दिखेगा, ये दिखने में ऐसा लगेगा, ये कॉलम ये सब कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट भरा हुआ है और ये जो डॉट डॉट है ये सब लोहा आपको दिखने वाला है वहां पे, समझ में आ गया, ये लोहा दिखने वाला है। तो ये लोहा का डाया है 16 mm। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये कॉलम जो आपका था उस कॉलम का आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, साइड का सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया निकालना है। अब बहुत कुछ क्या कर देते हो कि हम लोग का जो कॉलम था, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम का साइड का सरफेस एरिया आपको नहीं निकालना है, जस्ट ऊपर से जब इसको सेक्शन से काट दोगे, इस सेक्शन से काटोगे तो ऊपर में जब दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, जस्ट ये पार्ट दिखेगा, इसी पार्ट को मैंने उठा के यहाँ बना दिया है। और ये क्या है, ये 400 है, ये 300 है, ठीक है, तो ये mm में है आपका दिया हुआ, ये 400 mm by 300 mm। तो सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, तो वही लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ मेरा कितना है 400 mm, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा मीटर में कंसिडर किया है, सारा मीटर में कैलकुलेशन होगा यहाँ पे,
तो लेंथ जो फोल्डेड दिया हुआ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा, तो 400 को 1000 से डिवाइड कर दो आपका आएगा 0.4। सिमिलरली ब्रेथ जो है देखिए 300 mm, इसको आप कंसिडर करो 0.3 हो जाएगा मीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका एरिया निकाल लो, तो 0.4 into 0.3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप निकाल के रख दीजिए, ये बहुत काम का वैल्यू है, बहुत काम का डेटा है आपके लिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम ये निकाल के हम रख दिए, ठीक है। जनरली देखिए कॉन्सेप्ट जनरली क्या है, हम लोग एग्जाम जब देने जाते हैं तो टोटल मार्क्स कितना होता है 100 marks, ठीक है। टोटल मार्क्स होता है 100 marks, उसको हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स क्या है, जो कॉलम का जो टोटल हम लोग सरफेस एरिया निकाल लिए ना, जो ये निकल के आ गया, ये मेरा टोटल मार्क्स है। अब मान लीजिए हम लोग का ये टोटल मार्क्स था, अब मान लीजिए हम लोग को 100 में मिला 80, ठीक है, 80 आपको मिल गया समझ लीजिए, तो यहाँ पे वो लिख दीजिए 80। तो जो ये 80 आपको मिला है ना, वो है यहाँ पे स्टील बार, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जो यहाँ पे स्टील बार देख रहे हो, इस स्टील बार का सेक्शन का मतलब ये देख लीजिए, ये आपका ये गोल करके, ये स्टील बार ऐसे होता है गोल, ठीक है। हम लोग इसको सेक्शन से ऐसे काटेंगे, सेक्शन से काटने का जब ऊपर से देखोगे ना तो ये गोल दिखेगा, जस्ट गोल दिखेगा ना, एक रेइंफोर्समेंट बार, तो उसी जस्ट गोल का आपको एरिया निकालना है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ना कि सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। एक रेइंफोर्समेंट बार को ऐसे काट दोगे, काटने के बाद जब ऊपर से देखोगे वो जो गोल दिखेगा ना, उसी का जस्ट आपको एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये सब तो 16 mm का है, तो एक का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर है, तो वही करेंगे। तो जो हमारा इसका इसका एरिया निकलेगा ना, उन सबको ऐड कर देना है, इस 16 बार का जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा उसका, इसका, इसका सबको ऐड करके जो आपका वैल्यू मिलेगा वो चीज है आपका 80। यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम में लाए थे 80, यहाँ पे आपका वो 80 कंपेयर करोगे तो कौन सा है, जो ये वैल्यू आया हमारे रेइंफोर्समेंट बार का टॉप का, वो वाला, ठीक है। तो अब हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो हम लोग को मिला था, जो हम लोग को मिला था, जैसे 80 मिला था ना, कितना में मिला था, 100 में मिला था, टोटल जो आएगा नीचे आएगा इनटू 100, बस यही तो कॉन्सेप्ट है सीधा सा। तो अब क्या करना है कि यहां से हमको रेइंफोर्समेंट बार का जो एरिया निकाले थे हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको क्या करना है, ऊपर डालना है, बाकी क्या बचा हमारा टोटल कॉलम का एरिया, उसको नीचे डाल देना है। तो हम लोग को देखना है कि टोटल मेरा जो कॉलम का एरिया था उसमें मेरा ये स्टील बार कितना परसेंटेज लेके चला जा रहा है, यही तो निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा आपको, अब क्या निकालना है हम लोग को। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉलम निकल के आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक छड़ को अगर 20 से काट दोगे तो जो दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन बार, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 सेक्शनल एरिया का, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे डी क्या है हमारा, डाया ऑफ बार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो d है ये आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू लोग जानते हो 3.14 होता है, इनटू d की जगह हम लोग वैल्यू पुट किया, देखिए 0.016। अब ये देखिए आप डर मत जाना, इसका डाया कितना है, ये डाया 16 है ना, तो 16 जो है मिलीमीटर में है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड जैसे ही करोगे तो 0.016 आ जाएगा। तो d की जगह ये डाल दिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेट करोगे तो 0.0002 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक बार का जो आपका एरिया निकला ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो इतना निकला। अब एक चीज आप लोग को यहाँ पे समझाना है, बहुत जिनको ये प्रॉब्लम होगा, जो नॉर्मल ये होंगे इंजीनियर हो तो ठीक है, नहीं तो किसी को और सीखना है ये चीज, तो ये प्रॉब्लम होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस चीज को कैलकुलेटर में तो आपको ये वैल्यू नहीं देगा। देखिए मैं करके देखता हूँ, ये वैल्यू कुछ और ही देगा, 3.14 इंटू 0.016 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए ये वैल्यू दे रहा है एक्चुअली में 2.0096 इंटू 10 to the power -04। अब जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ताकि हम मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला बात क्या लिखा हुआ है, 2.0096 इंटू 10 to the power -04। माइनस का मतलब ना, हम लोग को ये पॉइंट क्या करना है, पीछे की तरफ ले जाना है, लेकिन कितना पीछे, हम लोग को ये टोटल लिख दीजिए पहले, देखिए 2.0096 बस, अब बाकी का आपको नहीं लिखना है, इतना आप लिख दिए ना। अब देखिए हमको क्या करना है, ये पॉइंट को पीछे ले जाना है, कितना पीछे ले जाना है ये बताता है यहाँ पे 4, ठीक है। देखिए माइनस 4 है ना, तो इसको 4 बार राउंड कीजिए ऐसे, ये देखिए यहां से इसको पकड़ के एक बार ऐसे डुबकी मारिए, 1 2 3 4, 4 बार डाल दिए। डालने के बाद ये जो डालने के बाद जो आया ना, यहां पे आप इसको क्या कीजिए, पॉइंट को बैठा दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट क्या हुआ, 4 बार डुबकी मार के यहां पे चला आया, यहां से देखिए ये 1 2
तीन चार, चार बार के बाद यहाँ पे डाल दीजिए, और जितना सारा ये घर बनाया ना इसके अंदर आप क्या कीजिए, जीरो प्लेस कर दीजिए, जीरो जीरो जीरो। बस अब इसको क्या करना है, मिटा देना है। अब इसको क्या करना है, मिटा देना है। तो देखिए अब हमको क्या मिला, 0.0002096। अब इतना लंबा तो हम लेंगे नहीं भैया, इसीलिए हम क्या किए हैं, हम लिए हैं यहाँ पे, हम लिए हैं यहाँ पे 0.00020096। इसको हटा दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना इसीलिए, तो 0.0002 बस लिए हैं, इतना ही वैल्यू, इतना मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया, जब माइनस वाला पावर भी जब रहेगा तो जो कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, और एक जगह आएगा तो वहां पे आप कीजिएगा। तो ये मेरा एक बार का एरिया निकल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 नंबर्स बार। यहाँ पे कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 नंबर्स बार। अब ये वाला वैल्यू क्या कीजिए, ये एक का है ना, ये यहाँ पे बैठा दीजिए। 8 का कैसे निकलेगा, 1 का इतना है तो 8 का कितना होगा, इतना इंटू 8 कर देंगे तो इसको वैल्यू को बैठा दीजिए, 0.0002 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, 0.0002 इंटू 8। ये देखिए फिर से ये पावर वाला दे दिया आपको, वैल्यू दे रहा है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो माइनस 3 जो दिया है, माइनस 0.3 यहाँ पे डाला होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, माइनस 3 बात एक ही है। अब ये करना है हम लोग को, तो ये लाना है एक लाइन में, कैसे लाओगे भैया, सेम तरीका है पूरा। आपको क्या करना है, ये ऐसे लिख दीजिए 1.6 लिखिए, और इसको आपको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, माइनस 3 है, तो इसको 3 बार उल्टा डुबकी लगाइए, 1, 2, 3, उसके बाद पॉइंट को बैठा दीजिए। अब इसके अंदर में आपको 0 फिलअप कर देना है, बस हो गया, ठीक है। इसके अंदर में तो 1 था ही, इसलिए यहाँ पे पुट नहीं कर रहा है। तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ से, इसको मिटा कर इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0. मतलब पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 0 बैठा ही सकते हैं ऐसे ना, तो 0.0016 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, 0.0016 यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ बैठा दिया है, तो इसको मिटा दो। अगर आपको फिर भी मन में डाउट रह जाएगा ना, तो कैलकुलेटर में क्या करना, इतना लिख के इक्वल टू करना, आपको समझ में आ जाएगा 0.0016। जैसे आप इक्वल करोगे, देखना कैलकुलेटर में आपको दिखा देगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3, जो आपका एग्जैक्ट वो पावर वाले में आना चाहिए था, इसका मतलब ये मेरा सही है, ठीक है। तो 8 बार का ये वाला एरिया मैं निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। ये जो स्टील है इसका कितना परसेंटेज है इस कॉलम के अंदर में। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ कि छोटा छोटा चीज भी अगर आपको करते वक्त प्रॉब्लम है ना, तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो में तो बड़ा होता है, ताकि यहाँ से जब भी आप स्किप करो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, मैंने बोला था कि जितना आपको मार्क्स मिला है एग्जाम में, कितना मार्क्स मिला है वो ये डॉटेड डॉटेड है। तो ये टोटल बार का जो एरिया का समीशन है वो कितना है, 0. ये टोटल 8 बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकला वो कितना है, ये वाला। तो इसको ऊपर डालेंगे 0.0016, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील है ये कितना में है, टोटल टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल मेरा ये कॉलम था मेरा, जो कि मेरा 100 मार्क्स था एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला है टोटल मेरा, तो इसको बैठा दो 0.12, ठीक है 0.12। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। बस इसका वैल्यू देखिए कितना आता है, ये क्या रेंज में आता है, ये क्या कॉलम सही है, 0.0016 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.12, ये आया मेरा 1.33%। तो सही है भैया, कॉलम का जो हम लोग का आना चाहिए वो कितना में आना चाहिए, वो मिनिमम उसका है हमारा 0.8% और मैक्सिमम है हमारा एज पर आईएस कोड 6%, ठीक है। लेकिन जहां पे लैप आती है हमारी, जिस सेक्शन पे हमारा लैप कटिंग करेगा, मान लीजिए हम लोग ये जो लैपिंग काटे, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देख लीजिए एक कॉलम है, हम लोग 20 से सेक्शन काट दिए, 20 से जब सेक्शन काटोगे तो मान लीजिए लैप मेरा किसी किसी स्टील में लैप प्रोवाइड है, तो सेक्शन में कैसा दिखेगा, ये बार के साथ में और एक बार आपका दिखने लगेगा ऐसे, समझ में आ गया ना, ऐसे और एक बार दिखने लगेगा। मान लीजिए इसमें लैप डाल दें, फिर इसमें लैप डाले हैं, तो इसके संग में और एक लैप दिखने लगा, और एक स्टील बार दिखने लगा। जब लैप वाला कंडीशन पे अगर आप सेक्शन काटते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैल्यू होगा वो 4% होता है, ये भी आईएस कोड बोल देता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। मिनिमम मैक्सिमम तो सबको पता होता है, लेकिन लैप वाले पोजिशन पे अगर कटिंग करते हैं, उस जगह पे आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 4% होना चाहिए, वो आईएस कोड में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आईएस कौन सा, आईएस 456 में लिखा हुआ है, आईएस 456 2000 में।
तो ये था जनरल हमारा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर अलग अलग डाया है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए नीचे वाला जितना है 16 का है और बीच का जो था वो 10 का था। तो अब सिंपल सिंपल सा बात है, पहले आप 16 का जितना भी है उसका एरिया निकाल लीजिए, एक का निकालिए। एक का निकालने के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार है आपका 16 का ना, तो 6 बार 16 के हिसाब से आप ऐसे निकाल लीजिए। फिर अलग से आपको 10 mm के लिए भी ये अलग से एरिया निकालना होगा। फिर इसका एरिया और इसका एरिया क्या कीजिएगा, एड कर दीजिएगा। तो टोटल रेनफोर्समेंट का जो आपका एरिया है वो निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद सेम ये प्रोसेस में बैठा दीजिएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। तो इसको लेके अगर आपका कुछ भी डाउट यहाँ पे रह गया है तो आप जरूर कमेंट में जाके पूछ लीजिएगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन को लेके चाहे किसी भी चीज को लेके। तो आप लोग को अब क्या करना है, मुझे पता है आप लोग के मन में आ रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना है सर, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो, ठीक है। तो ये तो हो गई स्क्रीनशॉट की बात, बस आज के वीडियो में इतना ही है। मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ, अब आपका काम चालू हुआ, आपको अब इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सब कोई सीख जाए, ठीक है। चंद सेकंड लगेगी, शेयर कर दो यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।